आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही खास अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं किससे, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को, जिन बच्चों का ये लास्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर है, उनके एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू, इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरे यूनिट में क्या पढ़ना है, उसके आंसर्स वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हम सीधे कहाँ पे चलते हैं दोस्तों? सीधे हम सबसे पहले आ जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे। ठीक है, कि आपकी यूनिवर्सिटी बीएड में सिलेबस क्या रखता है और आपकी यूनिवर्सिटी में के सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, बिना किसी देरी के। ठीक है, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक यहाँ पे खबर दी जाएगी। आप ये देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये आपके यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर में, यानी कि आखिरी सेमेस्टर में पेपर 402 है, दूसरा जो सब्जेक्ट्स है वो है कोर कोर्स में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड ये समसामयिक भारतीय शिक्षा। दूसरे विश्वविद्यालय में आगे दो शब्द और जोड़े जाते हैं, कंसर्न एंड इशू, मगर आपके विश्वविद्यालय यही कह रहा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है और आपके सिलेबस में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिट में टोटल चार, आपके इस विषय में टोटल चार यूनिट है। पहला यूनिट दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? स्टेट ऑफ एजुकेशन इज प्री कॉलोनियल एरा, मतलब आज़ादी से पहले यानी वैदिक काल में, पुराने काल में भारत का शिक्षा स्वरूप कैसा था। ठीक है, प्री कॉलोनियल एरा, उस समय कैसा था हमारा शिक्षा स्वरूप, कैसे, इसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें अगर आप देखेंगे आपको पढ़ना क्या है की बात की जाए, तो इसमें आपको पहला पॉइंट तो आपको ये पढ़ना है कि वैदिक एरा में, मतलब वैदिक काल में शिक्षा का कॉन्सेप्ट, एम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, शिक्षा का स्वरूप क्या था, शिक्षा की अवधारणा क्या थी, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा की व्यवस्थाएँ क्या, विशेषताएँ क्या थी, किस काल में बात की जा रही है, वैदिक कालीन शिक्षा में। दूसरा पॉइंट क्या है? बौद्धिक कालीन शिक्षा। तीसरा है इस्लामिक कालीन शिक्षा, यानी कि मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो यही दोस्तों आपके बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ विश्वविद्यालय के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में आपका पहला यूनिट का पहला ये तीन पॉइंट है। यानी कि आसान से शब्दों में हम कहें तो वैदिक कालीन, बौद्धिक कालीन और इस्लामिक कालीन, इन तीन कालीन शिक्षाओं के कॉन्सेप्ट, एम्स एंड कैरेक्टर से अवधारणा, उद्देश्य और विशेषताएं, ये तीन पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं कि इसी यूनिट में सेकंड पार्ट क्या है आपका। तो आपका सेकंड पार्ट है एडुकेशन इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा, मतलब आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले कौन थे हमारे पास? हमारे पास अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों के समय में क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में चेंजेस हुआ, हमारा एजुकेशन स्वरूप कैसा था और क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई, वो देखना है। तो पहला है दोस्तों मैकालेस मिनट, इसको हम कहते हैं मैकाले का विवरण पत्र। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको नहीं, हर एक हिंदुस्तानी को ये चीज़ें पढ़नी चाहिए कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने कैसे हमारे शिक्षा का स्वरूप बनाया, कैसे हमारे ऊपर अंग्रेजी शिक्षा थोप दी गई। मैकाले को आपको बता दें, इसको मैकाले को भारत की शिक्षा में अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। आप अगर सर्च करेंगे, अगर आप कहें तो मैं आपको लाइव सर्च करके दिखाऊँ। तो दोस्तों लाइव मैं गूगल पर ये सर्च कर रहा हूँ कि फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मतलब भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी थी, तो इसको अगर आप सर्च करेंगे तो देखेंगे आपको पूरे विकिपीडिया पे आएगा थॉमस बैबिंगटन मैकाले, और इन्हीं को शॉर्ट में मैकालेस, लॉर्ड मैकाले कहते हैं, पर हमने तो नहीं कहना लॉर्ड मैकाले। तो यही वो मैकालेस थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का स्वरूप स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है कैसे आपके ऊपर अंग्रेजी थोपी गई ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो आइए हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो ये रहा सिलेबस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैकाले के बारे में पढ़ना है कि उन्होंने क्या विवरण पत्र दिया था। हालांकि उसने हकीकत यह है कि ये जो मैकाले था, इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही बुरा भला कहा था, भारत के साहित्यों के बारे में इसके बड़े गलत विचार थे, इसने अंग्रेजी भारत में स्थापित करी। तो अब क्या कर सकते, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेजी सरकार थी। जब मैकाले ने विवरण पत्र दिया तो उस समय लॉर्ड बैटिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो चलिए आपको ये पॉइंट पढ़ना है मैकाले। दूसरा है दोस्तों वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच का मतलब वुड का घोषणा पत्र। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये मैकाले का विवरण पत्र कब आया था, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब दिया था दोस्तों, मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था 1835 में। ठीक है, अब ये देखिए 54 में, 54 का मतलब आप, हाँ देखिए, हर 20 साल के बाद, 35 प्लस 20 55 होता है,
तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। तो 55 से पहले 54 में वुड जी ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, इन्होंने बहुत अच्छा घोषणा पत्र दिया था, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 54 तक हम आ गए, 1854 में नेशनल एजुकेशन मूवमेंट, इसके बारे में पढ़ना है, गोखले बिल और वर्धा शिक्षा योजना। ये वो समय था दोस्तों जब देश में आज़ादी की शुरुआत हो रही थी, एक आज़ादी के स्वरूप का आप यूँ समझ लिए आधार निर्माण हो रहा था। इसके बाद से 1947 में उन्होंने घोषणा कर दी, उसके पहले सारी क्रांतिकारियाँ हुई। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है और हर एक विद्यार्थी को ये पढ़ना चाहिए। आप बहुत, मैं कहूँगा, लकी हैं, खुश नसीब हैं, ये चीज़ें आपकी सिलेबस में हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको हम पढ़ेंगे कहाँ और कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मैं परेशान नहीं करूँगा। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के दोस्तों कहाँ से पढ़ेंगे, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो में देखिए आपको यहाँ पे मोर करके दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जनरल सी बात है, आपको डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। अब जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में आते हैं बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आके मोर कर लीजिएगा और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने वन बाई वन बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा है। क्या MSDSU आजमगढ़ विश्वविद्यालय BED फोर्थ सेमेस्टर पेपर 402 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एन इशू, केवल इंडियन एजुकेशन के, इसके आपके सारे यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना था, यूनिट वन में वैदिक कालीन मुस्लिम कालीन शिक्षाओं के आदर्श उदेश। तो आप ये देखेंगे पहला वीडियो देखिए, पहले वीडियो में आपको दिखाया गया है वैदिक कालीन शिक्षा के आदर्श उद्देश्य, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे वैदिक कालीन के बारे में डिस्कस किया गया, यहाँ बौद्ध कालीन, यहाँ पे मुस्लिम कालीन, ठीक है। ऐसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाते जाएंगे तो आपको अब आपका सेकंड पार्ट, जो हमने कहा था कि एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट एरा, मतलब आज़ादी से पहले, तो चार्टर्ड एक्ट 1813, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हम चार्टर्ड एक्ट नहीं समझेंगे हम मेकाले का विवरण पत्र 1835 को नहीं समझ पाएंगे। फिर वुड का घोषणा पत्र और गोखले बिल। एक पॉइंट और रहता है, वर्धा शिक्षा योजना, उसको अपडेट नहीं किया गया मगर वो हम जल्द अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसी वीडियो, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी डिस्क्रिप्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, चलिए अगर हम मेकाले पे क्लिक करते हैं तो देखिए साथियों कैसे आप लोग, उम्मीद है यहाँ पे आप देखेंगे तो मेकाले के विवरण पत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। आप यहाँ से जरूर देखिएगा कि मेकाले ने कैसे क्या विवरण पत्र दिया था, क्या तर्क दिए थे। देखिए मेकाले के विवरण पत्र, चलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मेकाले सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की धारा 2, अब एक विवाद हुआ था प्राच्य पश्चात विवाद, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जो हमने बात करी थी कि मेकाले ने कैसे भारत की भाषाओं को कहा था, तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मेकाले के बारे में क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोप पुस्तकालय की एक अलमारी, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई, का महत्व भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम नहीं है। उसने पूरे भारत और अरब की, याद रखिए मेकाले ने पूरे भारत और अरब की संपूर्ण साहित्य को किससे तुलना कर दिया था, यूरोप की पुस्तकालय की एक अलमारी से। और ये कहा कि यूरोप की पुस्तकालय की एक अलमारी पूरे भारत और अरब के साहित्य के बराबर है। सोचिए कितना घोर विरोधी था भारतीय साहित्य के, अंग्रेजी के पक्ष में उसने तर्क दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस वीडियो में, यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। तो उसके मेकाले ने अब ऐसे विवरण पत्र दिया था। अगर इसके अलावा अगर हम वुड के घोषणा पत्र की बात करें, नहीं दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में, आइए बात करते हैं वुड, देख सकते हैं कि कैसे वुड के घोषणा पत्र के बारे में डिस्कस किया गया, कि वुड ने शिक्षा का क्या उद्देश्य रखा और वुड ने कैसे, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो देखा आपने फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना था, आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आइए अब आपके यहाँ पे चलते हैं सेकेंड यूनिट में। सेकेंड यूनिट में क्या था, एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब आज़ादी के बाद भारत के शिक्षा स्वरूप, तो भारत के शिक्षा स्वरूप में क्या क्या चीज़ें आई थी, जैसे मान लीजिए कि रिकमेंडेशन और टीचर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब भारत की शिक्षा में एक शैक्षिक शिक्षक शिक्षा, मतलब टीचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, और सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हायर एजुकेशन उच्च स्तरीय शिक्षा कैसी हो जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, तो इन सारे शिक्षाओं के बारे में कुछ रिकमेंडेशन दिए गए किसके द्वारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो उसने कैसे बताया ये आपको पढ़ना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर बात करें तो 1986 क्या कहता है, और जो नई NEP आई है, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कह लीजिए या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या कहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है इस यूनिट में, ठीक है। हाँ ये बात सत्य है कि इसके वीडियो में एक वीडियो में अभी नहीं बताया गया है, मैं बहुत ही जल्द कोशिश करूँगा कि एक जगह इसके सारे वीडियोज़ के लिंक इकट्ठा कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना होना पड़े, ठीक है।
अब आइए तीसरा हम यूनिट देख लेते हैं, इस वीडियो को फिर हम समाप्त करेंगे। इस तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, क्रूशियल इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन। अब भारत की शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं रही हैं, कुछ यहाँ पे चिंता और की बात रही है, वो क्या रहा है। पहला, एजुकेशन टू लिव टुगेदर। आप सबको पता है भारत विविधता का देश है, विविधता में एकता की तरह एकता हमारी देश की खूबसूरती है। तो यहाँ पे एक समस्या ये है शिक्षा जगत में कि सभी को एक साथ कैसे शिक्षा दी जाए, और ऐसे शिक्षा दी जाए जिसमें सब एक सर्वधर्म सभी धर्मों के प्रति सम्मान को लेकर आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की शिक्षा हमारे लिए हमेशा एक चिंता की बात रही है। उसके बारे में क्या होता है ये आपको पढ़ना है। दूसरा, वुमेन एजुकेशन। अब वुमेन एजुकेशन की जब बात की जाएगी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई बेटियों को पढ़ाने के लिए हम सरकार के द्वारा कई ऐसे शिविर निकाले जाते हैं, कई बार कुछ अमाउंट्स भी रखे जाते हैं, प्रोत्साहन के लिए कुछ रखा जाता है। तो इस सब के बारे में पढ़ना है कि वुमेन एजुकेशन, अब वुमेन एजुकेशन की मसला क्या है, क्यों ये वुमेन एजुकेशन अभी थोड़ी सी पिछड़ी है, हमें सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में। एजुकेशन फॉर सिटीजन, अब यहाँ पे अगर हम एजुकेशन फॉर सिटीजन की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा। अब आप इसको कह सकते हैं कि सार्वभौमिक शिक्षा, मतलब ऐसे आसान से शब्दों में अनिवार्य शिक्षा, मतलब सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो पाए। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, वो है एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब राष्ट्रीय एकाकीकरण, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने के लिए कैसे शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप बनाया जाए। दोस्तों इसके भी वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अगर आप कहें तो मैं दिखा दूं, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट यूनिट में केवल आपको तीन पॉइंट यहाँ पे दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल ऑफ एजुकेशन, कि भारत के संविधान में शिक्षा को लेके क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एजुकेशन टू एक्ट, मतलब शिक्षा सबके लिए अधिकार है, 2009 की बात करें। इसके अलावा भी रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, भारत के संविधानिक महत्व को बढ़ाने के लिए शिक्षा का क्या योगदान है। और अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए एजुकेशन में, जैसे कि SNDT, वनस्थली विद्यापीठ, एकलव्य शिक्षा योजना, इग्नू की बात करें, डिस्टेंस लर्निंग की बात करें, तो ये सारे एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, चार पॉइंट, इसको भी देख लिया जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट आपके इस विषय में पढ़ना है दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपके कि अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उसके डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाइएगा और इन सारे वीडियोस के लिंक को जरूर चेक करिएगा, और यहाँ से आप अपना सिलेबस तैयार करिए। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है, आपको समझ नहीं आता या फिर आप समझने की कोशिश करते हैं, कोई भी समस्या आती है इस विषय से संबंधित, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी लिंक से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, जो भी ये मैंने एक्सप्लेन किया है उसके मैं आपके नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, एक इस पॉइंट पर चेक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बातें की गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सब। तो आइए हम यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात की गई। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके यूनिट में एजुकेशन टू लिव टुगेदर, पीस एजुकेशन, जेंडर इशूज, इंक्लूसिव एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको एक वुमेन एजुकेशन था वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो जेंडर इश्यूज के अंदर ही उसके अंदर डिस्कस किया गया है वुमेन एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों आपके पढ़ाई के बारे में, इस विषय के बारे में। आशा करते हैं कि ये पूरा आपको सब्जेक्ट समझ आ गया होगा, और जैसे आप उस वीडियोस को देखेंगे आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एग्ज़ाम्स का वेट नहीं करते हैं, अपनी तैयारी को शुरू रखते हैं और साथ मिलकर तैयारी करते हैं, एक साथ जुड़ के पढ़ाई करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अपने जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई करी है, उन सबको इस ग्रुप से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों, अगर आपका अनुभव रहा हो तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मेरी बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस विषय को तैयार करिए, बहुत ही अच्छा विषय है, समझ के पढ़िए, सोच के पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, बड़ा बड़ा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा इसमें, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लाइक करना ना भूले, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत साथियों।